शहर मुरादाबाद बाल विवाह का सेंटर बन गया है। एक साल में यहाँ सबसे अधिक बाल विवाह के केस मिले, जिनको बाल विवाह टास्क फोर्स ने रुकवाया। अभी चार दिन पहले छजलेट में टीम ने नाबालिग लड़के की शादी रुकवाई। इसी कड़ी में सोमवार देर शाम चाइल्ड लाइन को सूचना मिली कि बरवाला में नाबालिगों की शादी होने वाली है। इस पर टास्क फोर्स ने पहुंचकर शादी रुकवा दी। वहीं परिजनों ने बच्चों के बालिग होने पर ही शादी कराने का लिखित सहमति पत्र लिया। इसके बाद टीम वापस लौटी। चाइल्ड लाइन के हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार की शाम फोन आया, जिसमें बरवाला में नाबालिग लड़का लड़की की शादी की जानकारी दी गई। इस पर CWC की महिला सदस्य नीतू सक्सेना, चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर श्रद्धा शर्मा, बाल संरक्षण अधिकारी ASTU संघ मुगलपुरा पुलिस के साथ शादी वाले घर पहुंची, जहां टीम ने परिजनों से नाबालिगों के स्कूल के शैक्षिक प्रमाण पत्र देखे, जिससे पता चला कि लड़का और लड़की नाबालिग है। इस पर टीम ने परिजनों को बच्चों के बालिग होने पर शादी करने की बात कही। लिखित में सहमति पत्र लेने के बाद ही टास्क फोर्स वापस लौटी। बाल कल्याण समिति से सदस्य, क्या मामला है? 1098 पर एक सूचना मिली थी कि नाबालिग बच्ची की शादी के मामला था। उसके बाद हमारी जो समस्त टीम है, बाल विवाह टास्क फोर्स कमेटी, वो यहाँ पर उपस्थित हुई और देखा कि वहाँ बच्ची की उम्र भागे में कम थी। हमारी टीम में बाल संरक्षण इकाई से, चाइल्ड लाइन से और संबंधित थाने से सभी लोग टीम यहाँ पर उपस्थित है। आज यहाँ क्या पाया गया है? बच्ची के माता पिता से उसके शिक्षा का प्रमाण पत्र मांगा गया। उसके अनुसार बच्ची की आयु 16.5 वर्ष है, जो कि नाबालिग है। बालिका की उम्र 18 वर्ष और बालक की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों पक्षों की, दोनों लड़के की उम्र भी और लड़की की उम्र भी कम पाई गई है। ये किस चीज़ के आधार पे जो साबित किया गया है? हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से। अच्छा, अब क्या कार्रवाई होने जा रही है? नहीं, इसमें कोई, हम लोग दोनों पक्षों को समझा दिया गया है कि जब बच्चे बालिग होंगे उसके बाद ही इनकी शादी होगी। आज शादी रोकी गई है या होने दी जा रही है? नहीं, आज शादी रोक गई है।